जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा मवेशी तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की कोशिश है कि मवेशी तस्कर पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को मुखबिर लगाकर एवं तस्करी की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने एवं तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित भी किया गया है। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पोरतेंगा रोड से साईटांग मट्रोली होते हुए झारखंड की ओर एक पिकअप वाहन में मवेशियों को भरकर तस्कर किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाकर रवाना किया गया। टीम द्वारा ग्राम पिलखी के पास नाकाबंदी की गई एवं मुखबिर के बताए अनुसार उक्त पिकअप वाहन रास्ते में आता दिखा, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वह पुलिस को देखकर वाहन को लगभग तेज कर भागता हुआ नजर आया और पिलखी की ओर भागने लगा। उक्त वाहन के पहिए को पुलिस द्वारा विशेष तरीके से पंचर कर दिया गया, जिससे वाहन का चालक कुछ दूर जाकर वाहन को खड़ा कर वहां से फरार हो गया। पुलिस द्वारा उक्त वाहन से कुल 9 मवेशियों को बरामद किया गया है। जसपुर पुलिस के द्वारा पशु तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और चूंकि ये पशु तस्कर बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए उन्हें रोकने के लिए एक नई तकनीक का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें उनकी गाड़ी को पंचर किया जा रहा है, और पंचर के बाद भी ये गाड़ी को बहुत स्पीड में भगाते हुए लेके गए हैं। इनका गाड़ी का नंबर आ गया है, ड्राइवर का नाम पता चल गया है, उसको पकड़ने के लिए एक पुलिस पार्टी हमारी रवाना हो गई है, और बहुत जल्द इसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। आज जो गाड़ी मिली है उसमें 9 जानवर मिले हैं, और ये लगातार अभियान चल रहा है। पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने 2 ऐसी कार्रवाई की थी, और इन पशु तस्करों के ऊपर पूरी तरीके से लगाम लगाया जाएगा। लगातार इस तरह का अभियान जारी रखा जाएगा। इनके खिलाफ में पशु क्रूरता अधिनियम की धारा की अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आगे एक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।